दोस्तों मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि एक हमारे पास सोम नारायण जी हैं और इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स किया था समथिंग। आज हम इनकी दुकान पे आए हुए हैं दुकान को पूरा सेटअप देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसा आपको बताया था वीडियो में कि हम लोग जितने भी लोग हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जो लोग सीखते हैं, तो सीखने के बाद हम उनके दुकान पर भी जाते हैं कि कैसे अपना मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, उनको हम गाइडेंस देते हैं, उनको तरीका बताते हैं कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग का तुमको काम कैसे करना है। तो सोम नारायण जी को समथिंग 2 साल हो गया इन्होंने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीखा था। मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के बाद इनका पहले जन सेवा केंद्र का काम था, आधार कार्ड है, फोटो कॉपी निकालना है, ये सारा काम देखे लोगों का आधार कार्ड बना भी रहे हैं, तो इस तरीके से ये पूरा अपना काम करते हैं। लेकिन इनको रिपेयरिंग का काम नहीं आता था। ये इनका सर्टिफिकेट भी है, अगर आप देखेंगे तो इनको रिपेयरिंग का काम नहीं आता था। फिर इन्होंने क्या किया कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग का अपना पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लिया, समथिंग 2 महीने का समय दिया, 2 महीने पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लिया और सीखने के बाद इन्होंने अपना पूरा मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा सेटअप बना रखा है। और इनकी दुकान में कोई फोटो कॉपी करने के लिए आता है तो फोटो कॉपी भी करते हैं, कोई आधार कार्ड प्रिंट आउट निकालना है तो वो भी करते हैं, कोई टेम्पल लगाने का काम है तो उसका भी काम करते हैं, और जितने भी सारे एसेसरीज हैं उसको भी सेल करते हैं, मोबाइल फोन भी सेल करते हैं। इनकी जो दुकान भी पड़ती है ये सरवन खेड़ा में पड़ती है, सरवन खेड़ा के पास में छोटा सा टाउन एरिया पड़ता है जिसे पियासी बोलते हैं, और यहाँ पर कम से कम देखा जाए तो 12 गांव के लोग कनेक्ट हैं। दूर दूर से लोग आते हैं मोबाइल फोन का काम कराने के लिए, बनवाने के लिए। तो इनको लगता था कि सर मेरी छोटी सी दुकान है, उसमें से मेरा ऐसे 200-400-500 रुपए का डेली का काम हो जाता था, लेकिन रिपेयरिंग के लिए जो मोबाइल फोन आते थे उनको मैं नहीं रिपेयर कर पाता, उनको बाहर में ठीक कराने के लिए जाते थे। तो इन्होंने अपना पूरा काम सीखा, काम सीखने के बाद आज ये मोबाइल फोन को रिपेयरिंग करते हैं, मोबाइल फोन को बनाते हैं। तो सोम जी आप बताइए जरा कैसे आपने ट्रेनिंग लिया, और भी ऐसे लोग हैं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो कितने टाइम में सीख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, बताइए सर। हमने 2021 में ये काम चालू किया हुआ था जी, और वो भी पहले हमें पता नहीं था। एक अमित भाई है हमारे पतारा के, उनके थ्रू हम आपके पास पहुंचे थे जी। फिर वहां से जब हमें ये पता चला, धीरे धीरे करके आपने हमको ये सब सिखाया, सिखाने के बाद फिर हम यहाँ पे काम चालू किए। आज ये कि जितना भी हमारे क्षेत्र का जो भी काम आता है, पहले हम यहाँ से लेके जाते थे, किसी के यहाँ बनवाते थे जाके, कुछ वो ले लेता था फिर उसके बाद हमको देता था, लेकिन आज ये हुआ जो भी है सारा कार्य हम यहीं पे करने लगे, और जितना जो हमें उसको देना पड़ता है समय हमारा भी बच जाता है, और उसके साथ साथ हम यहीं पे सारा मोबाइल वगैरह ठीक करके। अच्छा, तो जितने भी सारे कस्टमर आपके पास मोबाइल फोन ठीक कराने के लिए आते हैं, किसी के मोबाइल फोन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकली दिक्कत आती है तो आप उसको रिपेयर कर देते हो? बिल्कुल। तो आपका जो ग्रामीण एरिया आता है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने सारे गांव हैं, और आपको लोग कैसे जानते हैं, किस विश्वास पे आपके साथ में लोग आते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, हम बहुत पहले से कम से कम आज 20 साल हो गए जनसेवा केंद्र चलाते चलाते। अच्छा। हाँ, उसके थ्रू काफी लोग उस हिसाब से जानते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ये मोबाइल का काम चालू किया। मोबाइल से जनसेवा केंद्र वाले से कम जानते थे, लेकिन अब मोबाइल, क्योंकि आजकल मोबाइल हर आदमी के पास रहने लगा है। हाँ। तो एक एक घर में कम से कम 2-2-3-3 मोबाइल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, कहीं चार्जिंग वगैरह लगाने में उनको दिक्कत होती है, कहीं कुछ होती है, तो इसे पिन लगाने में उनको यदि चार्जिंग कंट्रोल वो कनेक्टर वगैरह जब खराब हो जाता है, तो यदि यहाँ से वो लमसम 10-12 किलोमीटर पतारा पड़ता है। हाँ। 10-12 किलोमीटर इसे पड़ता है, गजनेर पड़ता है। हाँ। तो लोग बात सोचते हैं जितना हम वहां जाएंगे उतनी देर में हमारा यहाँ जल्दी काम हो जाएगा, तो इस वजह से सभी लोग यहीं पे आते हैं। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो और भी लोग हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग भी लेते हैं, सीखते भी हैं, हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग एक एक करके सिलेबस का पूरा कोर्स का वीडियो बना करके भी देते हैं, तो आप उन लोगों के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपके बिजनेस में कितना प्लस हुआ है? पहले आप कितना इनकम जनरेट करते थे, अब आपके इसके माध्यम से कितना प्लस हो गया, वो थोड़ा सा बताएं, ताकि और भी लोग अपना जो जनसेवा केंद्र का आधार कार्ड का काम कर रहे हैं तो वो लोग भी अपना इस काम को जोड़ करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम ऐसा है कि इस काम के साथ में बहुत अच्छा चलने वाला है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम आता है, क्योंकि हमारे सारे स्मार्ट काम होता है और इसी से संबंधित सारे यूथ आते हैं, यंग जनरेशन के लोग आते हैं, यहाँ तक अगर 50 साल के कोई अंकल जी है, अगर उनके पास भी लावा का सैमसंग का कोई कीपैड मोबाइल फोन होता है, इसमें चार्जिंग पिन खराब हो जाती है, तो वो भी ठीक कराने के लिए आते हैं, तो इससे मोबाइल फोन वाले लोग हमसे जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए अच्छा बिजनेस हो सकता है। तो आप बताइए उनके लिए कितना प्लस हो गया और आपके लिए कितना इसका फायदा हुआ? आज की देखते हुए जिस हिसाब से पेपर वगैरह महंगा होता जा रहा है, और वही पुराना रेट 1 रुपए का फोटो कॉपी चल रहा है, तो उसमें तो कोई बचत हो नहीं रही है। हाँ। फिलहाल इसके इसको देखते हुए इसमें हमें लग रहा है कि नहीं, हाँ हमें वो काम बंद करके हमें ये काम ज्यादा इसका मतलब प्रचार करना चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ। क्योंकि अब इससे आप खुद समझ सकते हैं कि हमें इसमें बचत ज्यादा हो रही है कि उसमें ज्यादा हो रही है। बिल्कुल।
हमें तो ये लग रहा है कि हमें फोटो फोटो कॉपी वाला कार्य बंद करके मोबाइल का ही कार्य करना चाहिए। हाँ, क्योंकि मोबाइल फोन के रिपेयरिंग के काम में ऐसा है कि मोबाइल फोन रिपेयरिंग के काम में मरम्मत में बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप समझ लीजिए 5 रुपए चार्जिंग कनेक्टर डालने का भी 500, 600, 100, 200, 300, 500 रुपए लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? डिपेंड करता है फोन के ऊपर, डिपेंड करता है मोबाइल फोन की कीमत के ऊपर कि आपके मोबाइल फोन की कीमत कितने रहने वाली है, आपके मोबाइल फोन की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो ये सारी बातें हमारे डिपेंड करती है। तो ये हमारे बहुत हैप्पी कस्टमर है और अच्छा सीख करके अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक हमारे अच्छे स्टूडेंट भी हैं और सीख करके आज अपना बेहतर तरीके से अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग को सीख करके अपना अच्छा सफलतापूर्वक अपना बिजनेस को कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इसका ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स को कैसे करना है, किस तरीके से सीखा जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, क्या गाइडेंस की जरूरत है, सीखने के बाद कैसे काम किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारा जो वीडियो होता है हम स्टूडेंट के दुकान पे खुद जाते हैं। हमारे पास बहुत दूर दूर के बच्चे ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं लेकिन हम फिर भी उनकी दूर दूर तक का मत समझ लीजिए कि अगर संडे का पूरा दिन लगा करके हम उनकी दुकान पे जाते हैं, उनसे मिलते हैं जाकर के, उनको गाइडेंस करते हैं कि कैसे आपको काम करना है, क्या तरीका होना चाहिए। जबकि ट्रेनिंग करने के बाद ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि सिखाने के नाम पर दुनिया जान के बहुत सारे लोग हैं जो काम तो सिखा देते हैं लेकिन जहां पर सपोर्ट की बात आती है तो अगर आप फोन करोगे तो सिर्फ फोन पे ही आपकी मदद करेंगे, आपके घर तक कभी नहीं आएंगे। क्यों घर तक नहीं आएंगे? क्योंकि आपकी कभी जिंदगी में जमीनी हकीकत पे मदद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हेडली सीख करके अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक काम करे, उसको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। सर बताइए, इस वजह पे तो हमने भी देखा है कि आपसे हमने जब भी बात की है कभी कोई दिक्कत होती थी तो हमें वहाँ बुला के आप बताते थे और ये तो होता नहीं है कि हम एक दिन में ही इतना सब कुछ सीख जाएं, लेकिन जिस हिसाब से आपने बताया था उस हिसाब से हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये नहीं कि हम तो केवल संडे संडे सीखते रहे लेकिन फिर भी हमको आपने 3 महीने में बिल्कुल फुल अटेंड कर दिया था। तो सर के पास सिर्फ स्पेशल टाइम होता था, संडे संडे को ही समय देते थे और स्पेशली अच्छी तरीके से सीख करके आज बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे पास जो बहुत ऐसे पर्सन हैं जो जॉब वाले हैं या कोई अपना काम कर रहे हैं उनके पास एक लिमिटेड समय होता है। मेरे पास एक लोग और सीखने के लिए आते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सिर्फ बृहस्पतिवार को सीखने आते हैं। वो कहते हैं सर जी सिर्फ बृहस्पतिवार को हमको हाफ डे का छुट्टी मिलता है। उनका पता नहीं ऐसा कौन सा काम है, मैं भी नहीं समझ पाया, उनका हाफ डे का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने बताया भी नहीं खुल करके, सिर्फ बृहस्पतिवार को आते हैं और 6 घंटे का समय देते हैं। कहते हैं 6 घंटे में सर आप मुझको जो बताना बता दीजिए, मैं अपना वही प्रैक्टिस करता रहूंगा। क्योंकि मेरी नौकरी भी ऐसी है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत ऐसी नौकरी होती है जो आदमी चलता रहता है, उसकी नौकरी चलती रहती है और उसको कोई समय काम का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो वो लोग भी चाहते हैं कि अगर मैं इस लाइन में इंटरेस्ट, क्योंकि जिंदगी में देखो एक चीज इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जिस आदमी का जिस फील्ड में है तो उसको पूरा करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर आपको सिंगिंग इंटरेस्ट है तो आप गाना गाएंगे, आप बेशक आप मंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, कोई अभिनेता बन जाए या आप कोई क्रिकेटर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन आप सिंगिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपका पैशन है, खुद का जुनून है। अगर आपको जुनून है कि आपको मोटरसाइकिल चलाना है तो आप चलाएंगे, आपको जुनून है कि आपको साइकिल चलाना तो चलाएंगे, बेशक आपके घर में स्कॉर्पियो क्यों ना खड़ी हो। तो वही सारी चीजें होती है, आदमी इंटरेस्ट के लिए काम करता है। तो ये भी काम ऐसा होता है जो हम सीख करके हुनर है अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, हमारे लिए 2 पैसे भी जनरेट करता है। ऐसा नहीं कि हमारा वेस्टेज जाने वाला है, हमारे लिए 2 पैसे भी जनरेट करेगा, हमको आगे खड़ा भी करेगा और टेक्निकल चीज है जो आगे दिन ब दिन बढ़ती रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप इनका विजुअलिटी देख सकते हैं, इनका शॉप पे वीडियो देख सकते हैं कैसे इन्होंने ट्रेनिंग लेकर के आज अपनी दुकान चला रहे हैं। और आप भी अगर सीखना चाहें तो भी आप सीख सकते हैं।